वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. मैं हूँ आपकी होस्ट भावना शर्मा. सिटी ऑफ लेक्स भोपाल के इस शहर में आज का ये महामंच है देश के नंबर वन न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 का. मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 बिज नेक्स्ट मध्य प्रदेश शेपिंग बिजनेस कनेक्शंस विच इज़ को प्रेजेंटेड बाय सेज अपोलो हॉस्पिटल्स, को पावर्ड बाय IES यूनिवर्सिटी, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड आवर बैंकिंग पार्टनर इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने बीच हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डिप्यूटी CM. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री राजेंद्र शुक्ल जी का. सर, बहुत स्वागत है आपका. और आज के इस आयोजन के इस कड़ी में हम बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के इन तमाम मुद्दों के ऊपर, किस तरह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, और इन तमाम मुद्दों पर पैनल डिस्कशन के थ्रू हम आपसे बातचीत करेंगे. लेकिन सबसे पहले आगे बढ़े मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी स्पॉन्सर्स का. हमारे स्पॉन्सर्स हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेज अपोलो हॉस्पिटल्स, IES यूनिवर्सिटी, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, BNI, ट्रांसफॉर्मिंग भोपाल इंटू बिजनेस सिटी, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल, श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, प्लाईमैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, रतन मेगा मॉल, नेशनल काउंसिल ऑफ पैरामेडिकल दिल्ली, श्री कृष्ण इम्पेक्स, इंदौर ऑर्गेनिक अभ्युदय करियर इंस्टीट्यूट, अग्रवाल 420 पापर प्राइवेट लिमिटेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय सिंधावा, दृष्टि डेफकॉन प्राइवेट लिमिटेड, अक्सा एविएशन, ब्लू नेबा टेक्नोलॉजीज, मिलेनियम इंफ्रा, श्री RS एजुकेशनल सोसाइटी जबलपुर. हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं हमारे बीच हमारे माननीय मुख्य अतिथि चाहूँगी वो कृपया मंच पर आए. सुधीर जी प्लीज़, हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ल जी को कृपया सर सम्मानित मंच पर लेकर आए, क्योंकि अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे. नेक्स्ट न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. उद्योगों को लेकर मध्य प्रदेश की जो दशा और दिशा है वो नए सिरे से तय हो रही है लगातार. इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ है. प्रदेश में आप नई जिम्मेदारी के साथ आप एक बार फिर तैयार है. डिप्टी CM के साथ साथ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा आपके पास है, क्या चुनौती आगे देखते हैं आप? जैसा कि सुधीर जी आपने बताया कि मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में यदि थोड़ा समय निकाल दें तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है. इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर सप्लाई हो, इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट का मामला हो, और मध्य प्रदेश को लोग सबसे तेज़ गति से विकसित हो रहे प्रदेशों में से मध्य प्रदेश की गिनती होती है. जहाँ तक आपने हेल्थ के सेक्टर की बात कही है तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी के जो हेल्थ सेक्टर को जो उन्होंने प्राथमिकता दी है तो हमें सेंट्रल से भी बहुत फंड मिल रहा है. हमारे यहाँ मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 14 मेडिकल कॉलेज हमारे शुरू हैं. लेकिन हम ये मानते हैं कि जब तक हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जो मध्य प्रदेश में 348 हैं, उनको यदि हमने जिला अस्पताल की तरह सक्षम नहीं बनाया तो फिर जिला अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी. ये चुनौती है लेकिन ये अवसर भी है. इस अवसर को हमें ज़मीन पर उतारना है. एक कहते हैं कि बिन पानी सब सुन, लेकिन चूंकि हम उद्योगपतियों के बीच में बैठे हैं, आप जुबान से नहीं काम से जवाब देते, आपकी छवि सब लोग जानते हैं, किस तरह के प्लान आगे उद्योगों के लिए रहेंगे? यदि हमें किसी को बुलाना है निवेश के लिए तो हमें उनको ट्रांसपोर्ट के लिए शानदार 4-लेन की सड़कें उपलब्ध होना चाहिए, ड्राई पोर्ट्स होने चाहिए. हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट्स इतने बन के तैयार हुए हैं. तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरतें होती हैं निवेश के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी. और हम कहते थे कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, आइए, बाहें फैलाकर लोगों को हम आमंत्रित करते थे. अंतिम सवाल करेंगे कि रीवा के विकास का मॉडल प्रदेश और देश ने दोनों ने देखा है, अब डिप्टी CM के तौर पर आप हैं, क्या प्लान आगे है? देखिए, विंध्य में विकास का बहुत पोटेंशियल है. जितनी ज़मीन के अंदर कोयला हमारे विंध्य में है कहीं नहीं है देश में. जितना लाइम स्टोन हमारे यहाँ है ज़मीन के अंदर उतना देश में कहीं नहीं है. 15,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स हमारे यहाँ हैं क्योंकि कोयला हमारे यहाँ है. 40 मिलियन टन के सीमेंट प्लांट हमारे यहाँ हैं क्योंकि लाइमस्टोन हमारे यहाँ है. हवाई अड्डा हमारे यहाँ 15 दिन के बाद शुरू हो रहा है. 400 करोड़ रुपए की लागत का हवाई अड्डा बन के तैयार हो गया. और ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन जो एक तरह से भाग रेखा साबित होगी, जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल से हमारे विंध्य को कनेक्ट करेगी. हिंदुस्तान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचेगा जो समृद्धि के मामले में विंध्य क्षेत्र का मुकाबला कर पाएगा.
ये हमारा लक्ष्य है। आपने बहुत समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सम्मानित करेंगे उन खास हमारे बीच मेहमान हैं और बिजनेस के बाजीगर हैं, जिन्होंने अपनी विजन और डेडिकेशन से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना खास योगदान दिया है। सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी सागर सिंह, हेड एडमिशंस, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मोस्ट वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एक बार ज़ोरदार तालियां। संजीव अग्रवाल, CMD, द सेज ग्रुप, सेज अपोलो हॉस्पिटल्स, मोस्ट ट्रस्टेड हॉस्पिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इंजीनियर BS यादव, फाउंडर चांसलर, IES यूनिवर्सिटी, लीडिंग यूनिवर्सिटी इन प्लेसमेंट्स। एंड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, मिस्टर विकास मिश्रा इज हियर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोस्ट ट्रस्टेड बैंक, द बैंकर टू एवरी इंडियन। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। Dr. Vijay Singh, Registrar, Rabindranath Tagore University, most innovative university in Madhya Pradesh. Mr. Alok Nanda, Vice Chairman, International Public School, Bhopal, finest educational institute which provides holistic education with child-centric approach. Mr. Pradeep Karambelkar, Executive Director, BNI, transforming Bhopal into business city, leading business networking and referral platforms. Ek bar zordar taaliyan. Pooja Shree Choksi, Executive Director, LNCT Group, JNCT Professional University, emerging leader in higher education. Dr. Janak Singh Chauhan, Director, Dr. Anupam Sharma, Deputy Director, Model Officer, National Council of Paramedical Delhi, leading paramedical organization of India. Mr. Rahul Pandey, MD, AXA Aviation, highest placement in aviation industry. Dr. Anil Tiwari, Sri RS Educational Society, Jabalpur, free training was provided to more than 15,000 youth under the Atmanirbhar Bharat mission. Mr. Ashish Singh, CEO, and Mr. Ravi Sudhani, Abhyudaya Career Institute, highest selection ratio in IIT, JEE, NEET. Dr. Abhay Pandey, Chairman, Sardar Vallabhbhai Patel Shiksha Mahavidyalay, Sindhava, leading education college in Central India. Mr. Rahul Shotriya and Mr. Paras Jain, Indore Organic, most trusted organic brand in Central India. Malkan Singh Patel, Director, Shriji International Public School, fastest growing school in Madhya Pradesh. Mr. Amit Kumar Agarwal, MD, Ratan Mega Mall, the group of Ratan Lal Sarafa, most trusted business group of Gwalior Chambal region. Mr. Nikhil Srivastav, founder and CEO, Blue Neba Technologies, leading solar panel integrator. Shailesh Maheshwari, director, Drishti Devcon Private Limited, fastest growing real estate company in Central India. Mr. Ashish Agarwal, Shri Krishna Impex, leading banana exporter of India. Ashok Bhadani, Climax distributor, most trusted distributor in wood panel products in Central India. Nitesh Pandey, marketing head, Millennium Infra, most reliable builder of Central India. Ek baar zordar taaliyan. और मैं सुदीप जी से अनुरोध करूंगी वो कृपया मंत्री जी को भी सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। और अब इस कार्यक्रम में जिसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पहले पैनल डिस्कशन में मैं सबसे पहले अपने सहयोगी प्रशांत कटारे को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। पैनल डिस्कशन में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, CMD, द सेज ग्रुप, सेज अपोलो हॉस्पिटल्स, इंजीनियर BS यादव, फाउंडर चांसलर, IES यूनिवर्सिटी। एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। संजीव अग्रवाल जी, सेज अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना का उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य एक ही था, कुछ मानवता के लिए करना है। समाज ने इतना दिया है, उसको लौटाने की कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश। और शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी मैं हूँ, उसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं। करीब करीब 35-40 हज़ार स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं अभी। और क्या कराया जाए समाज के लिए, तो मुझे लगा सबसे अच्छा है हेल्थ सेक्टर में एक बहुत अच्छा प्रयास करा, और हमें साथ मिल गया अपोलो का। मैं प्रताप रेड्डी साहब का धन्यवाद दूंगा आपके मन से कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपोलो को सेज के साथ मिलाया। सेंटर पूरे एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है हेल्थ केयर में, और सेज एमपी का सबसे बड़ा ब्रांड है। दोनों मिले और कुछ नया इतिहास रचेंगे भोपाल में। बीएस यादव जी, टेक्निकल एजुकेशन आपका सबसे बड़ा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। डिजायर कंपनीज में प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए हम क्या ट्रेनिंग हमारा इंस्टीट्यूट देता है, कैसी ट्रेनिंग और क्या सर्टिफिकेट, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स निकलते हैं इंस्टीट्यूशन से उनको बेहतर प्लेसमेंट मिले। जो भोपाल है जी, वो सेंट्रल इंडिया का एजुकेशन हब है, और पिछले 15 ईयर से करीब हम लोग अगर बात करें तो जो भोपाल के टेक्निकल कॉलेज से उससे अक्रॉस वर्ल्ड मैं समझता हूँ करीब 25,000 प्लस जो है ग्रेजुएट इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, क्योंकि ये जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं वो सब मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनी में, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है। इस फोरम के साथ मैं बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हम लोगों ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ काफ़ी बड़ा टाइप किया, और देश में करीब 16 यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने टाइप किया, और ये टाइप हमने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए किया, बीबीए प्रोग्राम के लिए किया। और जो फर्स्ट बैच है हमारा, उसमें 45 बच्चे जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो सेल्स नेटवर्क है उसके लिए सिलेक्ट किया। बिल्कुल संजीव अग्रवाल जी, सेज अपोलो हॉस्पिटल, बहुत सारे दूसरे हॉस्पिटल्स भी हैं, सेज अपोलो हॉस्पिटल कैसे अपने आप को डिफरेंट रखता है? इंडिया के टॉप डॉक्टर्स की टीम बनाने की कोशिश करी है। इवन जैसे मेरा कार्डियोलॉजिस्ट है मिस्टर गौरव खंडेलवाल है, आपको वो यूएस में बहुत बड़ा हॉस्पिटल काम करता था, उसके पेरेंट्स के यहाँ से, तो मेरे पर्सनल लेवल पर बात नहीं, मतलब बेटा तू वहाँ पर अपने पापा मम्मी पास आ, अब तो इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड आर्थिक शक्ति बन रहा है, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत आगे जाएंगे। ऐसे हमने डॉक्टर्स को एक टीम बनाई। इंफ्रा, हम रियल इस्टेट में तो इंफ्रा बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परंतु मैं आई फील प्राउड कि मैंने सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा इंफ्रा बनाया। बेस्ट मशीन लेके आ गए, मशीन अच्छी हो, इंफ्रा अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, तो फिर क्या चाहिए, क्यों नहीं आएगा। बीएस यादव जी, आने वाले 5 सालों में ऐसे कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहां आपको लगता है और बेहतर और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी? हाँ देखिए, सबसे पहले तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा सिक्योरिटी, जो ये अपकमिंग एरियाज हैं जहाँ आप डेली अखबारों में पढ़ते हैं कभी कि इतने लैक्स प्रोफेशनल की ज़रूरत है, ये है। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो मेडिकल सेक्टर है इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है। मैं बात करूं अभी हमारा जो पहला बैच नर्सिंग कॉलेज का पास आउट हो, उसमें से 5 बच्चे जापान के लिए सिलेक्ट हुए, 5 ईयर्स के उस पर उनके कॉन्ट्रैक्ट पे वो लोग वहाँ गए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे कुछ बच्चे जो हैं, हम लोग अडानी का जो CSR विंग है उसके साथ हम लोग मिलके बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और वो जो नर्सिंग प्रोफेशनल हैं वो जर्मनी जाएंगे। और जो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, जिसमें एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी, इन सबको इंटीग्रेट करके काम करनी, तो ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ इससे लाभ होगा। थैंक यू, थैंक यू। इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। प्रशांत को मैं एक बार फिर से स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि अब हम अगले सेशन की यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर आगे बढ़ रहा है। और इस डिस्कशन में जो हमारे साथ गेस्ट रहेंगे, सागर सिंह, हेड एडमिशंस, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, डॉक्टर विजय सिंह, रजिस्ट्रार फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, मिसेस अरुणा नंदा, डायरेक्टर बोर्डिंग स्कूल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का, और शुरुआत विजय जी आपसे ही करूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय क्या डिफरेंट है, क्या स्टूडेंट्स के लिए हम अलग विजन रखते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की स्थापना एक्चुअली स्किल्स प्रोग्राम्स को लेकर ही हुई थी, तो हम लोगों ने शुरुआत से ही कोशिश की कि स्किल्स पे हम लोग काम करें और हैंड्स ऑन स्किल बच्चों को प्रोवाइड करें। लेकिन साथ साथ हमें ये भी लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जब जुड़ा जब हम लोगों ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि नीति आयोग द्वारा प्रायोजित है,
वो हम लोग को दिया गया और हम लोग ने एक बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर अपने स्थापित किया। मिस्टर जरुणा नंदा जी, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल स्टेट में बेस्ट बोर्डिंग स्कूल के तौर पर इसकी पहचान भी है और डिफरेंट, और क्या बेहतर हम कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स और बेहतर या पेरेंट्स और ज़्यादा इस स्कूल में भेजने के बाद खुद को समझे कि भाई हमारा बच्चा लकी है, हम भी लकी हैं। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में स्पेशली हमने ऐसे काउंसलिंग सेल्स बनाए हुए हैं और जहाँ तक बोर्डिंग की बात है तो बच्चे हमारे साथ रहते हैं, दे डोंट लिव विद देयर पेरेंट्स, तो इसकी स्ट्रगल कि उन्हें इमोशनली और स्टेबल रखना है तभी वो अपने एकेडमिक्स में और अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा सबसे मेन फोकस होता है कि हमारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा जब पहले उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। उसके अलावा वी हैव अ गुड टीम ऑफ टीचर्स बोर्डिंग स्कूल में। अभी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पूरे स्टेट में बहुत अच्छा कर रहा है बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट। सागर सिंह जी, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी वाकई एक ऐसा शिक्षण संस्थान है कि जो अपने आप में देश में बड़ा नाम बन रहा है, क्या और कैसे इस मुकाम तक ये संस्थान पहुंचा और आगे विजन क्या है? मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी या मानसरोवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे एक बहुत ही कोर सा मोटो है जिसे कहते हैं हम कि ग्लोबल एजुकेशन विद इंडियन वैल्यूज। वहीं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम करते हैं, वहाँ हम इंडियन वैल्यूज नहीं छोड़ते बच्चों के। इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। हमारे यहाँ भी जैसे 60% पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल हो गया है, 40% इज थ्योरी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए क्योंकि हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पधार चुके हैं MSME मिनिस्टर श्री चैतन्य काश्यप जी। मैं सुधीर जी से अनुरोध करूंगी वो कृपया से सम्मानित मंत्री जी को मंच पर लेकर के आए। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री चैतन्य काश्यप जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में राजनीति के साथ साथ आप सामाजिक योजनाओं में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। 290 आंगनवाड़ियों को गोद लिया है और 1500 बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, व्यापार जगत से आप करीब से जुड़े भी हैं, आपके इस अनुभव का MSME सेक्टर को किस तरीके से फायदा मिलेगा? जो मेरा अनुभव रहा है, जो व्यवहारिक तकलीफें आती है उद्योगपतियों को, वे मेरे समक्ष रहती है और मेरे 1.5 माह के कार्यकाल में ही हमने ये प्रयास भी प्रारंभ करा है कि यहाँ पर जो उद्योगपतियों को जो माहौल मिलना चाहिए, नए हमारे युवा, आज जो समय आ चुका है कि युवाओं को हम अवसर दें और इसमें हमने लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और जो आज सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश के अंदर इतना बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, शहरों के अंदर इतने विकास के कार्य हुए, तो ज़मीनों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो उद्योगों को प्रमुख आवश्यकता आज ज़मीन की है क्योंकि MSME सेक्टर ही सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है और इसी के रोजगार के माध्यम से हम हमारे प्रदेश की जनता का और हमारे कई जो मजदूर वर्ग के भाई हैं या हमारे प्रबुद्ध जो बच्चे जो आगे एजुकेशन में हैं उनको यहीं पर हम अवसर पैदा करने के अंदर सफल भी होंगे। कई बार छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है, उसको स्मूथ रूप से करने के लिए कार्य योजना सरकार के पास है? छोटे उद्योगों को वैसे तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई लाइसेंसिंग नहीं है। 7-8 विभाग हैं जिन विभागों के अंदर समय सीमा अभी हमने निर्धारित काफ़ी विभागों में करी है और आगे भी हम इसको ये निश्चित कर रहे हैं कि टोटल 17-18 ऐसे विभाग होते हैं जो करीब करीब हर उद्योग के ऊपर लगते हैं, तो उनके अंदर समय सीमा के अंदर कि उद्योगपति परेशान नहीं हो, हतोत्साहित नहीं हो और वो अच्छे उत्साह के साथ में अपने व्यापार के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, अपने उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करें, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। समय देने और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ मैं सुधीर जी से अनुरोध करूंगी वो कृपया मंत्री जी को सम्मानित करें मोमेंट से देकर के। हम बढ़ रहे हैं इस कड़ी में अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अनिल तिवारी फ्रॉम श्री RS एजुकेशन सोसाइटी जबलपुर, मिस्टर प्रदीप करमबेल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BNI ट्रांसफॉर्मिंग भोपाल इंटू बिजनेस सिटी, एंड आवर थर्ड पैनलिस्ट इज मिस्टर निखिल श्रीवास्तव फाउंडर एंड CEO ब्लू नेबा टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर निखिल श्रीवास्तव सर,
रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, और सबसे पहले आपकी कंपनी ब्लू नेबर टेक्नोलॉजीज इस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या काम कर रही है? रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बिना अपने नेचर को डिस्ट्रॉय किए हुए। हमने ये कंपनी 2018 में शुरू की थी। हमारा मेन टारगेट है रेजिडेंशियल एंड स्मॉल सेगमेंट। अभी हमने काफ़ी सारे घरों में लगाए हुए हैं, अराउंड मोर देन 1000 हाउसेस। मिस्टर प्रदीप करमवेलकर जी, सर भोपाल में BNIQ? भोपाल में BNI स्टैंड्स फॉर बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। यस, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे कई लोगों ने कहा, जब मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भोपाल ला चुका था तो कई लोगों ने कहा कि भोपाल में BNI होना चाहिए, दुनिया के नेटवर्क से हम जोड़ सकें भोपाल के युवाओं को, भोपाल के MSMEs को। तो उसके लिए BNI एक बहुत अच्छा माध्यम था और मैं खुशकिस्मत था कि मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और इस तरह BNI भोपाल आ गया। डॉक्टर अनिल तिवारी, श्री RS एजुकेशन सोसाइटी युवाओं को आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहा है? RS एजुकेशनल सोसाइटी एजुकेशनल संस्थान चलाती है और आत्मनिर्भर के लिए हम लोगों ने काम किया। मैंने अपने विश्वविद्यालय और संस्थानों से शिक्षकों को निकाल के और जनता के बीच जाके जनता को छोटी छोटी चीज़ के लिए आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया। इसमें वर्तमान में मैं सागर के अंदर लगभग 15,000 बेरोजगार और ग्रस्त लोग, उनके लिए हमने आत्मनिर्भर कर दिया। सिलाई कढ़ाई बुनाई फिटर इलेक्ट्रीशियन ऐसे समस्त कोर्स में निःशुल्क जाके उनको प्रशिक्षित किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों पैनलिस्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार फिर से प्रशांत को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी क्योंकि अब हम बातचीत करेंगे अपने अगले पैनलिस्ट से। और स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। हमारे साथ अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आशीष मेहरा जी हैं, स्टेट हेड हैं एडमिशन के। मिस्टर अमित कुमार अग्रवाल जी MD हैं द ग्रुप ऑफ रतनलाल सराफ दतिया से, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा चर्चा की। बहुत सारे बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस आप करते हैं लेकिन पुश्तैनी व्यवसाय सराफा व्यवसाय, लेकिन आपने बहुत सारे बिजनेस में हाथ आजमा लिया, कैसे ये सफर चल पड़ा? सराफे को हम कैसे आज के जनरेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद फिर हमने नए नए बिजनेसेस इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले मैंने एक पेट्रोल पंप बनाया, उसके बाद मैरिज गार्डन बनाया, उसके बाद अभी करंटली आई एम रनिंग अ मॉल इन दतिया। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग क्षेत्र के बिजनेसेस हमने स्टार्ट किए। आशीष मेहरा जी, अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कैसे हुई? अक्सा इंटरनेशनल की स्थापना होने का मेन उद्देश्य ये था कि एविएशन वो सेक्टर था जहाँ पर स्टूडेंट कम समय में मात्र 12 मंथ के ट्रेनिंग कोर्स के दौरान बच्चा जब सारी चीज़ें सीख लेता है जो एविएशन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो डायरेक्टली एविएशन में ज्वाइन कर सकता है। तो तभी से हमने ये 2014 में हमने ये कारवा चालू किया था और आज हम करीब हजारों बच्चे ऐसे हैं जो हमारे अक्सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकल कर पूरे देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे एयरलाइंस पे काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब वक्त है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज योर होस्ट भावना शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।